हेलो बच्चों बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसका 25वां सवाल। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्डअप हो और चीज़ें आसानी से आगे कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में है पाई बाई टू से लेके पाई e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको कैसे किया जा सकता है, हम लोग इसको कर लेंगे पाई बाई टू पाई, यहां पे लिख लीजिए 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू। नीचे चलते हैं और नीचे फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू का। तो आप लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इससे फायदा क्या होगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा। आगे चलते हैं पाई बाई टू टू पाई और ऊपर वैल्यू रही 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू होल अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये प्लस आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऊपर करूंगा मैं। अब देखिए न्यूमिनेटर से अलग कर लीजिए दोनों पार्ट को, तो यहाँ वैल्यू आएगी और साथ में देखिए ई की पावर एक्स था जो छूट गया है लिखने में, ये ई की पावर एक्स चली रहा है तो ये ई की पावर एक्स तो रहेगा ही। ठीक है बेटा, आगे देखिए तो यहाँ पहुँचे पाई बाई टू से लेकर पाई ई की पावर एक्स, न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लिया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और बहुत आसानी से इसका कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। इस 2 से ये 2 कट गया, साइन एक्स बाई टू इसके स्क्वायर से कट गया तो वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ आई पाई बाई टू से लेकर पाई ई एक्स, ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2। ठीक है साहब, अब यहां आ जाइए तो उसको लिखिए माइनस और ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू बराबर लिखा हुआ डी एक्स। इस तरीके से वैल्यू लिखी जा सकती है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस कॉट एक्स बाई टू को थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। देखिए क्यों लिख लेते हैं, जैसे मैं समझा पाऊं आपको, ये एक फॉर्मेट बनने वाला है, फॉर्म बन रहा है। आपको याद ही दिला दूं, पहले आपने एक फॉर्म पढ़ा था वही फॉर्म बनने के ये कगार पे है, जहां आप लिखते थे कि अगर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो इसका सीधा इंटीग्रेशन आप लिख देते थे ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होता था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट है तो प्लस सी का कोई मतलब नहीं, तो ये फॉर्म बनने की कगार पर है ये, तो इसको मैं लिख लूंगा यहां पर पाई बाई टू से लेकर पाई तक और पहले वाले को डाल देता हूं माइनस कॉट एक्स बाई टू, ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू डी एक्स। अब देखिए अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूं, कलर चेंज करता हूं थोड़ा, तो अगर मैं इसको एफ एक्स ले लूं इस वाले फंक्शन को, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट कॉट एक्स बाई टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या ये मिलेगा, लेट अस चेक। एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे माइनस, कॉट एक्स बाई टू को लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का और है तो 1 बाई टू का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये वैल्यू देखिए क्या आ गई, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू और ये जो वैल्यू है ये यही तो है, देखो दिस इज एफ डैश एक्स, तो दिस इज एफ डैश एक्स, देख पा रहे होंगे आप। तो अगर इसको एफ एक्स माना जाए तो एफ डैश एक्स है, बिल्कुल यही फॉर्मेट आ गया बच्चों। देखिए अगर ये फॉर्मेट आ गया तो
तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। इसका आंसर सीधे लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स, यानी e की पावर x और एफ एक्स क्या था, ये देखिए एफ एक्स था, तो माइनस कॉट x बाई टू, और इसकी लिमिट लगा दीजिए, और लिमिट क्या रही, पाई बाई टू टू पाई। अभी स्क्रीन को ऊपर ले जाएंगे थोड़ा हम लोग, ये देखिए इसको ले जाते हैं तो साफ आपको दिखाई पड़ेगा, यहां पहुंच गए हम लोग। तो इसको देखिए माइनस वाले को तो कर लीजिए बाहर, जिससे परेशानी बिल्कुल ना महसूस हो। e की पावर x cot x बाई टू और लिमिट लग गई पाई बाई टू से लेकर पाई तक, वैल्यू रख दीजिए माइनस पाई रखेंगे तो e की पावर x cot x की जगह पाई रखा तो आ गया पाई बाई टू, माइनस x की जगह आपने यहां पर पाई रखा था, ठीक है साहब। फिर पाई बाई टू एक्स की जगह माइनस e की पावर पाई बाई टू cot, यहां पाई बाई टू रखेंगे तो आ जाएगा cot पाई बाई फोर, बहुत सुंदर। आप जानते हैं cot पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो ये तो निपट जाएगा पूरा टर्म, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर पाई बाई टू और cot पाई बाई फोर होता है वन, तो इसका आंसर आ गया e की पावर पाई बाई टू, यही आपका आंसर है। देखिए कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में यूज होने वाले फॉर्म्स का, और सवाल निकलते चले जाएंगे। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इस सवाल को पिकअप करते हैं, 0 to π/4 ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट अस चेक कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है बेटा, तो यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है क्वेश्चन में, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और नीचे जो वैल्यू दी गई कॉस की पावर 4x, इसको लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए जो लिखा हुआ है, और इसको भी लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का फिर से स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4x आ जाएगा। अब यहां पर लेट कर लीजिए साहब साइन स्क्वायर एक्स को टी, तो लेट साइन स्क्वायर एक्स को टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी डी एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो पड़ेगा डी टी अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे हम लोग अभी, ठीक है साहब। आइए करते हैं हम लोग, तो 0 to π/4 ऊपर वैल्यू रही साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे देखिए यहां पर लिखा 1 माइनस टी स्क्वायर ना होकर टी रहेगा, क्योंकि टी को हमने पुट किया है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पर मुझे टी लिख देना चाहिए स्क्वायर, और प्लस इधर आ गया टी स्क्वायर। देखिए ध्यान से 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है साहब। और यहां वैल्यू रही डी टी अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये देखिए मैंने डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहां से, डी टी अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर वाले साइन एक्स कॉस एक्स को खा गया, तो ये वैल्यू बची 1 upon 2 0 to π/4 1 अपॉन, इसको ओपन कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग इसका, तो इसको लिखते हैं 1 + t² - 2t + t² और ये रहा साहब dt। अब बेसिकली मैंने ये जो इसको यहां पर हटा देता हूं, क्योंकि ये इनडेफिनिट की तरह मैं सॉल्व करके अंत में हम 0 to π/4 वैल्यू रख देंगे इसके अंदर इनडेफिनिट की तरह सॉल्व करके, ठीक है, ये करने वाले हैं, वरना आप चाहो तो यहां भी लिमिट चेंज कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर यहीं पे लिमिट चेंज करना चाहते हो तो यहां पे चेक कर लीजिए भाई, जब x की वैल्यू 0 थी, मैं यहां यह लिख देता हूं, जब x की वैल्यू 0 थी व्हेन, तो t कितना था, t है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन 0 0 होता है, फिर x की वैल्यू जब π/4 थी तब t कितना था,
तो साइन पाई बाई फोर होता वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू स्क्वायर करोगे तो टी की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो यहां पर आप लिमिट लगा सकते हो जीरो टू वन बाई टू, लिमिट भी आपने चेंज कर दी, कोई परेशानी की बात है ही नहीं, जैसा चाहे वैसा करें। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, और थोड़ा सा इसमें कलर में बदलता हूं। अब देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, वन बाई टू जीरो टू हाफ, ये वैल्यू आ गई देखिए टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन डी टी। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के प्रोसेस में हम लोग पहले टी स्क्वायर के कोफिशियंट को वन करते हैं, तो टू ले लो कॉमन। अब जैसे ही टू कॉमन लोगे यहां पर बेटा क्या होगा, वन बाई टू और जीरो टू हाफ, यहां टू कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ वन अपॉन डी टी चल ही रहा था। अब देखिए आगे वन अपॉन टू, इस टू को बाहर ले लो तो ये वन अपॉन टू इधर भी हो जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट लिख देते, नहीं लिख रहा हूं, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस बहुत सवालों में पिछले सिखाया है कि जो टी का कोफिशियंट होता है यहां पर है माइनस वन, उसका हाफ ब्रैकेट में ले लो, यानी टी माइनस हाफ स्क्वायर, और इस हाफ का स्क्वायर घटा दो, वन बाई फोर प्लस वन बाई टू तो पहले से था। ये परफेक्ट स्क्वायर एक ही लाइन में बन जाता है और ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक रहता है। आगे चलते हैं, आगे वैल्यू लिख दी वन अपॉन फोर जीरो टू हाफ, और ये वैल्यू देखिए क्या खड़ी हो गई, टी माइनस हाफ का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा वन बाई टू में वन बाई फोर घटा रहे हो तो प्लस वन बाई टू वैल्यू मिलेगी, जिसे आप वन बाई रूट टू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये देखिए घटाए जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस वन बाई फोर मिलेगा, ये क्या मिलेगा प्लस वन बाई फोर, ठीक। और प्लस बाई वन बाई फोर को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं वन बाई टू का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अब ये फॉर्मेट हो गया बिल्कुल कौन सा, हमारे फॉर्मूले का टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है तो लगा देते हैं। तो यहां रहा वन बाई फोर, ये तो बाहर रहा, यहां होता वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये रहा एक्स और ये रहा साहब ए, और लिमिट लगा दी कितनी जीरो से लेकर हाफ। फॉर्मूला है यहां पर, हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है, कुछ नहीं किया है अभी, कोई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आगे चलते वन बाई फोर, ये वैल्यू वन बाई टू बाहर ले लो तो टू ऊपर चला जाएगा, मैं यहीं पर इसको खत्म कर देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पर देखिए वन बाई फोर था, ये टू ऊपर चला गया तो वन अपॉन टू बचा बाहर, यहां आ जाओ तो टेन इनवर्स, यहां पर वैल्यू रखोगे हाफ तो जीरो हो जाएगी, तो जीरो अपॉन हाफ माइनस फिर टेन इनवर्स, टी की जगह जीरो पुट कर दोगे तो माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ वैल्यू आ जाएगी। तो ये जानते हैं टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है, तो चला जाएगा जीरो, ये वैल्यू कितनी बचेगी हाफ, और ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स माइनस वन, देख पा रहे होंगे आप, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस हाफ इंटू माइनस पाई बाई फोर, वैल्यू हो गई पाई बाई एट, और यही आपका रिजल्ट रहा, ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई एट। मैं साफ तरीके से लिख देता हूं पाई बाई एट, ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन एट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है बड़े आसानी से। तो बच्चों करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाई मिसलिनियस का है तो दिमाग तो लड़ाना ही पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग, जीरो टू पाई बाई टू, तो देखिए यहां क्या कर सकते हो, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आसानी से चलिए, ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स, पूरे डिनोमिनेटर को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे, तो इसको लिख सकते हो फोर और इसको लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक। अब इस स्टेप के बाद मैं चलिए इसके नीचे ही कर देता हूं आराम से, बोर्ड तो खिसक ही सकता है, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स, तो वैल्यू क्या मिली फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखो माइनस का चार आएगा प्लस का एक है, तो फोर माइनस थ्री
कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग कलाकारी क्या करेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को इस दोनों के पावर सेम है ना, तो या तो लॉन्ग डिवीजन करो या जुगाड़ बना दो, तो जुगाड़ बना रहे हैं, तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, पकड़ ली बात ना आपने। इतना लिखने के बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि सारी बात यहां कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आप 4 जोड़ दो 4 घटा दो, माइनस साइन लेते हुए, माइनस साइन लेने का मतलब क्या है, एक माइनस और लगा लेते हैं यहां पर हम लोग, देखिए यहां पर क्या करो, यही लगा लेना था, बल्कि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो माइनस 3 यहां कर लेते और माइनस 3 यहां कर लेते, बात बैलेंस हो गई। अब देखिए यहां पर 4 आप जोड़ दो और 4 आप घटा दो, देख पा रहे हैं, अब पहला वाला अपने आप ही जुगाड़ बन गया। देखिए अब न्यूमिनेटर से हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो 1 खटाक से बाहर चला जाएगा, तो यहां पर जब आप आए, अब न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लीजिए तो माइनस 1/3 0 टू पाई बाई 2, न्यूमिनेटर से ब्रेक किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, मैं लिख दूं शायद कोई बच्चा ऐसा ना हो कि तोते उड़ जाए उसे कि पता नहीं कहां से आ गया ये 1। ये रहा 3 कॉस स्क्वायर एक्स और ये रहा माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए आसानी से आप इसको ये लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये दोनों सेम है, कट जाएगा आ जाएगा 1। तो ये रहा साहब आ गया माइनस 1/3 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक पहुंच गए आप साहब, बड़ी अच्छी बात है, पहले का तो लगे हाथ ऐसे ही हो जाएगा और दूसरे का भी हम कर लेते हैं, तो ये अलग अलग कर लीजिए लगे हाथ काहे को। तो ये रही बात, ये रहा माइनस 1/3 0 टू पाई बाई 2 1 dx और यहां माइनस माइनस हो गया प्लस 1/3 0 टू पाई बाई 2 4 अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। हर स्टेप लिख रहा हूं जैसे कोई भी कंफ्यूजन आपको रह नहीं जाए। आगे चलते हैं, ये तो आप जानते ही है, 1/3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा x, लिमिट लगा दो 0 से पाई बाई 2, इसका खेल खत्म। यहां आते हैं 1/3 लिखते हैं, 0 टू पाई बाई 2 ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 sec स्क्वायर एक्स। मैं लिख दूं कई बच्चों उड़ ना जाएं, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये किया है। अब इसके बाद लिख रहे हैं, ऊपर न्यूमिनेटर से कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो 1/4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी 4 sec स्क्वायर एक्स, और यही चीज आ जाएगी यहां 4 sec स्क्वायर एक्स, ये बचेगा माइनस 3। ये देखिए साहब, ठीक, अब यहां पर वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 6, इसका किस्सा तो क्लोज हो गया। यहां चलते हैं प्लस 1/3 0 टू पाई बाई 2, ऊपर लिख लो 4 sec स्क्वायर एक्स और नीचे 10 के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो इसको लिख लेंगे 4 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3। हर स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको किसी हालत में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आगे देखिए साहब, माइनस पाई बाई 6 प्लस 1/3 0 टू पाई बाई 2, ऊपर रहा 4 तो भी बाहर ले लेंगे हम, sec स्क्वायर एक्स, नीचे वैल्यू क्या रही, 4 में से 3 गया 1 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है साहब। अब आप इसको और सुविधाजनक करना चाहें तो नीचे डिनोमिनेटर से 4 लेके उड़ा दें ऊपर का, और सरल हो जाएगा, देखिए करेंगे वही हम लोग जो सरल काम हो, तो 5/6 प्लस 1/3 0 टू पाई बाई 2, 4 नीचे से कॉमन लेके ऊपर काट दिया, बचा sec स्क्वायर एक्स अपॉन, मैं इसको लिख लेता हूं 1/2 क्योंकि 1/4 बचेगा यहां, इसका स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब ये एक्सप्रेशन काफी ज्यादा लाइट वेट है और इसको देखिए, इसको t मान लीजिए साहब, यहां कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट
टी इज इक्वल टू 10x, जहां आप डी टी अपॉन डी एक्स निकालने जाओगे बच्चों, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, यानी dx को जब भी लिखना हो तो लिख सकते हो dA dt अपॉन sec स्क्वायर x। ये रही बात, अभी लगा देंगे, अब लिमिट को भी लगे हाथ चेंज कर लेते हैं। तो when x इज इक्वल टू 0, जब x बराबर 0 है तो 0 पुट करोगे तो t भी आ जाएगा 0, इसमें x बराबर 0 पुट कर दो, फिर x बराबर यहां पर रखोगे पाई बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह पाई बाई 2 इसमें रखोगे तो 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया, लिमिट भी चेंज कर ली हम लोगों ने। आगे चलते हैं, माइनस पाई बाई 6 ये वैल्यू, प्लस 1 बाई 3 लिमिट कर लो चेंज, 0 से इन्फिनिटी, बहुत सुंदर। और ये बात रही sec स्क्वायर x की, ये रहा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये रहा t का स्क्वायर, और यहां रहा dt अपॉन sec स्क्वायर x। अब देखिए कितनी सरलता से ये काम हो जाएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x कट गया और ये वैल्यू आई माइनस पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 3 0 टू इन्फिनिटी, और ये बन गया फॉर्मूला t स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x का। अब इसको फॉर्मूला लगा के काम इसका कर दो बच्चों, खत्म। थोड़ा मैं कलर बदल दूं जैसे कि थोड़ा मोनोटोनस ना लगे, माइनस पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 3 फॉर्मूला लगाया इसका, तो 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला लग गया, 0 टू इन्फिनिटी हम लोगों ने वैल्यू डाल दी। चलिए साहब आगे चलते हैं, माइनस पाई बाई 6 ये बाहर लोगे तो आ जाएगा प्लस 2 बाई 3, कॉन्स्टेंट बाहर ही रख लिया करो बेटा, डिस्टर्ब करता है वरना, यहां रखोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन हाफ, और वैसे भी इन्फिनिटी अपॉन हाफ का मतलब इन्फिनिटी ही रहा, और अगले स्टेप में आया tan इनवर्स 0 अपॉन हाफ। आप बड़ी आसानी से जानते हैं बेटा, आगे चलते हैं, कि यहां पर माइनस पाई बाई 6 प्लस 2 पाई 2 अपॉन 3, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, और इधर tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। अब ये सॉल्व हो चुका है, माइनस पाई बाई 6 और यहां वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने पे पाई बाई 3, क्या रिजल्ट रहा, पॉजिटिव का पाई बाई 6, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी वर्किंग मांगते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए और इंटीग्रेशन चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए, कोई टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़िए जैसे मैंने बताते चला आया हूं और थोड़ी प्रैक्टिस और खेल खत्म इंटीग्रेशन का। चलते हैं अगले सवाल पर, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और देखिए छोटी सी टेक्निक, यहां पर हम लोग एक चीज पहले समझा दूं मैं आपको थोड़ा सा, देखिए हम ये जानते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं बेटा तो क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, और इसको लिख सकते हो साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को। अगर साइन 2x की वैल्यू निकालनी हो जाए तो देखिए साइन 2x की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, एक तिकड़म बना ली जिस तिकड़म से सवाल निपटा देंगे हम लोग। अब क्या करो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लो, इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लेट साइन एक्स, अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मान लिया टी, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये सवाल देख के ये ध्यान कैसे आएगा कि ये सब करना है, तो भाई इसीलिए तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऐसे सवालों में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानो तो ऊपर उड़ जाएगा, और इसको हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही तो प्रैक्टिस है, थोड़े से दो चार सवाल लगाएंगे आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। चलो भाई अब यहां पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स का हो गया साहब कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो यहां से हम जान पाए कि dx की जो वैल्यू है उसको लिखा जा सकता है dt अपॉन sin x प्लस cos x।
इसका इस्तेमाल बखूबी करने वाले हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं और अब आते हैं अपने मुद्दे पे। हमने बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल कर लिया या बेस बना लिया और सवाल अब देखिए कितने आराम से होता चला जाएगा। यहां पर हमने लिखा पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई थ्री तक, बेटा आप देख पा रहे होंगे। आगे देखिए लिखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स, तो अंडर रूट लिखा, साइन टू एक्स की बात करते हैं तो साइन टू एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस दिस वन और इसको माना टी, तो यहां लिख सकते हो वन माइनस टी स्क्वायर। अभी देखिए लिमिट नहीं चेंज करी है, लिमिट भी चेंज कर देनी चाहिए मुझे, तो यहां लिख देता हूं लिमिटिंग चेंज का प्रोसेस। तो यहां लिखिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें पाई बाई सिक्स डालो तो यहां लिखोगे टी इज इक्वल टू साइन, मैं इस तरफ से लिखता हूं, थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, धीरे लिख पा रहा हूं, पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स, ऐसे ही तो टी निकालोगे मेरे बच्चों, यहां पे वैल्यू रख के। तो ये होता है साइन थर्टी, साइन थर्टी होता है हाफ और कॉस थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाई टू। तो देखिए लिमिट क्या बन गई इसकी, लिमिट बन गई वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू, ऐसे लिमिट आ गई। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, अब पुट करते हैं वैल्यू एक्स बराबर पाई बाई थ्री, तो जब पाई बाई थ्री पुट करोगे बेटा तो टी कितना आ जाएगा, यहां लिखोगे साइन पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री, तो 60 होता है तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो वैल्यू हो गई रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। ये लिमिट भी आ गई, तो लिमिट यहां चेंज कर देनी चाहिए हमको। थोड़ा मैं शिफ्ट करता हूं आगे की बातचीत करता हूं, ये आपको याद हो ही गया है कि क्या लिखना होगा जिससे हम आसानी से लिख पाए। यहां पे आ जाते हैं और इसकी लिमिट को बदल देता हूं, आप समझ चुके हैं मैं क्या कर रहा हूं। तो लोअर लिमिट में आ गया साहब वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू, अपर लिमिट में आ गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। अब यहां पर लिख रहे वैल्यू डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो पूरा पूरा कट गया, आगे थोड़ा सा फिर लेके जाऊंगा इसको, ये देखिए इधर लाता हूं। अब यहां पर देखिए वैल्यू क्या बनी हमारी, ये बनी लिमिट लगा लो पहले तो वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये तो भाई बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला आ गया है साइन इनवर्स एक्स वाला, यानी यहां मुझे लगा देना चाहिए साइन इनवर्स टी, ठीक, और लिमिट लग गई साहब वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू और रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, वैल्यू रख दीजिए आप इसके अंदर, तो ये वैल्यू रही साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। अब इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो डबल हो जाएगी वैल्यू, कैसे, ये देखिए इसको लिख लिया साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू माइनस, और यहां ले लीजिए साइन इनवर्स माइनस कॉमन रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं, अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, माइनस बाहर करोगे तो प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, दोनों वैल्यूज एडअप हो गई, फाइनल आंसर आ गया टू साइन इनवर्स रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, और यही आपका फाइनल आंसर आ गया। बस इस तरीके से करेंगे ये मिसलिनियस क्वेश्चंस के सवाल, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नई नई ट्रिक लग जाती हैं इसमें जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो और आप पहचान पाएं किस में कौन सी शॉट, किस बॉल पे कौन सी शॉट मारनी है। बाउंसर पड़ रही है अगर और आप सोचेंगे कि बाउंसर पे मैं स्ट्रेट ड्राइव खेलूं, मतलब सीधे मारूं, तो कैसे मारेंगे, ऐसे बल्ला मारना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, वही टेक्निक सीख रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे करते हैं हम लोग।
तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही सरल सवाल है, देख के पहचान गए होंगे कि इनके कंजुगेट्स इसको कर दें मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 0 to 1 अपॉन रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, और इनके कंजुगेट से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और यहीं पर डिनोमिनेटर में भी वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से कर दिया मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए कितना सरल हो गया, ये 0 to 1, ऊपर वैल्यू हो गई रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा वन प्लस एक्स, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स। ये रही बात, ये एक्स एक्स गया कट। अब देखिए कितनी आसानी से आगे बढ़ गए हम लोग, यानी इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to 1 वन प्लस एक्स की पावर हाफ डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स की पावर हाफ डी एक्स। देखिए कितने आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं साहब, ये वैल्यू हो गई आपकी इंटीग्रेशन में 1 + x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगा दो 0 to 1 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और इसकी लिमिट लगा दो 0 to 1। आगे करते हैं हम लोग सवाल, नीचे 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 बचेगा, ठीक, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 + x की पावर 3/2 0 to 1 माइनस चलते हैं, फिर यहां जाइए ये भी हो जाएगा 3/2, तो 3/2 को बाहर ले लीजिए 2/3, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेना ही बेहतर रहता है, 2/3 अंदर वैल्यू रही x की पावर 3/2 0 to 1, खेल खत्म होने वाला है अभी। अब देखिए 2/3 x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 पुट कर दोगे तो 1 की पावर 3/2 जो कि 1 ही होता है, माइनस 2/3 आगे लिखते हैं 1 लिखा तो ये 1 माइनस 0 आ जाएगा। आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, अब यहां पर आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, ये तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो ये वैल्यू मिलेगी 2 × 2 3/3 माइनस 2/3 क्योंकि ये 1 है, और यहां चलेंगे तो आएगा माइनस 2/3। अब ये हो जाएगा पावर ऐड कर दीजिए तो 1 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 5/2/3 माइनस 4/3। तो बच्चों यहां पर देखिए ये जो माइनस है ये प्लस होगा, क्यों प्लस होगा बेटा, क्योंकि यहां जो एक्सप्रेशन लिखा था बेटा ये देखो, यहां पर वैल्यू प्लस करके आई थी, लिख माइनस दी गई है, तो इसको मैं प्लस कर देता हूं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसी तरीके से और जो वैल्यूज आ रही है नीचे सारी पॉजिटिव इन नेचर रहेंगी, यानी प्लस और ये रहेगा प्लस। अगर ये प्लस रहेगा तो ये प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को काट देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी खत्म, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 2 की पावर 5/2 × 3। अब 2 की पावर 5/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + ½, ये भी तो कितना हो जाएगा 5/2, तो इसको लिखा जाता है 2² × 2 की पावर ½, यानी 4, इसको लिख दो √2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4√2/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से आंसर निकल आएगा, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। तो ये आप समझ गए होंगे ये 2 की पावर 5/2 को मैंने कैसे चेंज किया, ये सब आप पकड़ पा रहे होंगे बात, 5/2 को 2 + ½, 2² × 2 और 4√2/3, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और इसमें करने की टेक्निक देखिए, ऊपर इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर से मिल गया, तो हमने अभी तिकड़म की थी ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, और ये देखिए साइन 2x यहां भी मिल रहा है, उसको दाएं से लगा दीजिए आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आपने लिखा था अभी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स, इसको लिखते थे वन प्लस वन माइनस साइन टू एक्स, याद है ना, अभी किया था। अब यहां से साइन टू एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये पकड़ के रखिए बात। और यहां पर लेट कर लेते थे, लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी ये जो वैल्यू लिखी है इसी को टी मान लेते थे। डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला कट जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं, बड़ा फायदा मिलता है इसको हमें। तो यहां पर डी टी अपॉन डी एक्स कर लो बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और आसानी से आप लिख सकते हैं डी एक्स की वैल्यू साइन डी टी अपॉन डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट अभी हम लोग चेंज कर देंगे, इतनी बात आप समझ गए हैं। चलो लिमिट की बात भी लगे हाथ निपटा लेते हैं। तो लिमिट के लिए व्हेन एक्स की वैल्यू जीरो, तो उस समय टी कितना होगा, यहां पर जीरो पुट कर दें। ये देखिए टी आपने ये माना है, तो अगर ये टी पकड़ा हुआ है तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, यही तो वैल्यू लिखेंगे एक्स की जगह। साइन जीरो होता है जीरो, कॉस जीरो होता है वन, तो ये वैल्यू हो गई माइनस वन। अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर आपने पुट किया तो साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, हम जानते हैं साइन पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन रूट टू ही होती है, तो वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू मतलब जीरो आ जाएगा। आपने लिमिट निकाल ली। अब हम इस सवाल के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो यहां पर मैं यही लिखता हूं, फिर इसको खसकाऊंगा, अभी मैं यहां लिखने की कोशिश करूंगा। तो ये रही लिमिट, लिमिट हो गई चेंज, जीरो की जगह लिमिट आ गई माइनस वन, ऊपर पाई बाई फोर की जगह लिमिट आ गई जीरो, ऊपर रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन, और साइन टू एक्स की जो वैल्यू है वो टी के फॉर्म में लिखेंगे वन माइनस टी स्क्वायर, ये तो पूरा टी माने हुए हो ना, दिस इज टी, तो वन माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी वन माइनस टी स्क्वायर, और ये रहा डी टी, अब थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैं थोड़ा इसको इधर लेके आता हूं, और यहां लिख दीजिए डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सवाल पहले से कितना आसान हो जाएगा, ये देखिए वैल्यू ऊपर नीचे की कट गई है। अब इसको और थोड़ा मैं आगे लेके जाऊंगा जो लिख पाने में आसानी रहे। यहां आते हैं, अब यहां देखिए वैल्यू क्या बन गई हमारी, वैल्यू बन गई माइनस वन टू जीरो वन अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन टी स्क्वायर डी टी। ध्यान से देखो बच्चों, ये वैल्यू आपकी बन चुकी है, और बेसिकली यहां जो 16 था, ये 16 को मैं अभी कर लेते घर, अभी ठीक है ना, बिल्कुल बराबर। अब थोड़ा और इसको मिडिल में लाते हैं और आसानी से करना शुरू करते हैं। ये देखिए, अब इसको लिख लीजिए माइनस वन टू जीरो वन अपॉन, ये 25 दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है 16 टी स्क्वायर, बहुत ही ज्यादा सरल नजर आने लगा। अभी भी नहीं छोड़ेंगे, और सरल करेंगे, 16 ले लो कॉमन, तो वन अपॉन 16 आ गया बाहर, माइनस वन टू जीरो वन अपॉन, ये हो गया 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर डी टी, देख पा रहे होंगे आप। अब यहां पर इसको आसानी से लिख सकते हो वन अपॉन 16 माइनस वन टू जीरो वन अपॉन 5 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने की बारी आ गई, ये एक प्रीनोन्ड फॉर्मेट हो गया, वैल्यू लगा देते हैं 1 अपॉन 16, फॉर्मूला आपको याद होगा तो लिखा 1 अपॉन 2a, लॉग वाला लगेगा, लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो कृपया करके फॉर्मूले याद कर लीजिए, वो तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। तो 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब टी की वैल्यू रखो, खेल खत्म कर दो। जो कांस्टेंट होता है मैं अक्सर उसको बाहर कर लेता हूं, जिससे दिमाग से वो
निकल ले, तो 2 करोगे तो ये बचेगा, देखिए 2, 5 बाई 2 उल्टा करोगे 2 बाई 5, तो 1 अपॉन 16 इंटू 2 अपॉन 5, ये कांस्टेंट की कहानी खत्म। 0 पुट करो तो लॉग पुट किया, 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 5 बाई 4 अपॉन 5 बाई 4, 0 0 खेल खत्म। माइनस लॉग, माइनस 1 पुट करोगे तो 5 बाई 4 माइनस 1, 5 बाई 4 माइनस माइनस यानी प्लस 1, ये हमारे सामने सिचुएशन आ गई। ये एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये आ गया 1 अपॉन 2 से काटोगे 8 यानी 40, और ये वैल्यू हो गई लॉग 1, कट गया ना, और ये वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 4 यानी 1 अपॉन 4 और 9 अपॉन 4, कुछ भी नहीं, गुणा भाग कर लिया और क्या करेंगे। आगे चलते हैं, लॉग 1 की वैल्यू हमको पता है कि लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो हो गया 0 साहब, दिस टर्म इज 0, 1 अपॉन 40 माइनस लॉग, ये चार चार आपने काट डाला, 1 अपॉन 9 बचा, ठीक। अब माइनस अंदर ले लो तो लॉग 9 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 40 लॉग 1 अपॉन 9 का पावर माइनस 1, इसको उल्टा कर दो तो लिख सकते हो 1 अपॉन 40 लॉग 9, और सिंपल लिखना चाहो तो 3 का स्क्वायर कर सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 40 लॉग 3 का स्क्वायर, और सिंप्लीफिकेशन में दो बाहर ले लो तो 2 अपॉन 40 लॉग 3, अभी और बचा है इसे मतलब डिवाइड कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आप दे सकते हैं 1 अपॉन 20 लॉग 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, हो सकता है एनसीईआरटी में ये वैल्यू लिखी हो यहां पर, तो ये जो वैल्यू लिखी है मैंने इसको 3 का स्क्वायर करके और काट लिया है, सिंप्लीफाइड वर्जन और अच्छा है तो ये और अच्छा आंसर है, बाकी ये आंसर भी मिल रहा है आपकी एनसीईआरटी किताब से। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए बड़े आराम से हो जाएगा, इसको आप शुरू करें 0 टू पाई बाई 2 बेटा, साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये वैल्यू हो गई 10 इनवर्स साइन x। अब यहां पर क्या करते हैं बेटा, साइन x को मान लो t, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर लिख लो लेट t इज इक्वल टू साइन x, तो जब आप dt अपॉन dx करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी साफ cos x। तो यहां से आप बड़ी आसानी से dx कहीं लिखना हो तो लिख सकते हो dt अपॉन cos x, पहली बात जिसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, और लिमिटिंग प्रोसेस से लिमिट भी चेंज कर लो, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 उस समय हमारा t कितना होगा, तो साइन 0 0 होता है इसलिए 0 होगा, और फिर x की वैल्यू ले लो पाई बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह पाई बाई 2 डालोगे तो आ जाएगा साइन 90 यानी 1, तो ये लिमिट भी आपने चेंज कर ली। अब हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब देखिए इस लिमिट को चेंज करके मैं 0 की जगह वैल्यू लग दूंगा 0 और पाई बाई 2 की जगह 1, तो 0 की जगह 0 पाई बाई 2 की जगह 1, ये रखा 2, साइन x को हमने t माना था तो यहां लिख दो t, cos x को लिखे रहने देते हैं भी कट जाएगा, 10 इनवर्स t और dt अपॉन cos x, ये देखिए यहां पर dx को dt अपॉन cos x लिख लिया गया बड़े आराम से। अब ये cos x और cos x कट गया, वैल्यू 2 को कर लो बाहर, 0 टू 1 टी 10 इनवर्स टी डी टी, ये देखिए यहां तक बहुत ही, इससे कितना लाइट वेट हमारा सिचुएशन हो गया है और साफ नजर आ रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की डिमांड कर रहा है। तो यहां पर मैं याद दिला देता हूं एक बार फिर से, आईलेट ने हमारी बड़ी मदद की है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग, इसके हिसाब से जो इनवर्स वाला फंक्शन है उसे फर्स्ट फंक्शन मान लेना चाहिए और जो एलजेब्रिक फंक्शन है उसको हमें सेकंड मान लेना चाहिए। अभी हम ऐसे ही फॉलो करते हैं, 97-98% सवालों में ठीक बैठता है। तो यहाँ पर इसको मैं कंसीडर करता हूँ पहला फंक्शन और इसको कंसीडर करते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन। अब हम लोग लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ चलते हैं, 2 तो था ही साहब, इंटीग्रेशन पहले लिखिए फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा 10 इनवर्स टी
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो वैल्यू आती है उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये कहानी हो गई। लिमिट तो हम लोग 0 to 1 बाद में लगा ही देंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। लिखा 2, ये वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स टी, इसका काम खत्म। माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां वैल्यू जो आ जाएगी वो जाएगी टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये रही वैल्यू 0 to 1, ये dt है ही यहां पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर ये अभी पड़े रहने देते हैं, t रखा और यहां वैल्यू रखी टी स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स टी। यहां पर देखिए 1 अपॉन 2 बाहर ले लो और ये बन जाता है टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो बेटा, जैसा हम टेक्निक करते चले आए हैं। 0 to 1 देख पा रहे होगे आप, कोई भी खास बात नहीं है इसमें। अब देखिए आगे चलते हैं। 2 लिखा टी स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स टी माइनस हाफ, ब्रैकेट यूज कर लो, टी स्क्वायर प्लस 1 अलग करोगे तो कट जाएगा, न्यूमिनेटर से अलग कर रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 1। आप समझिएगा मैं बातों को, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख दूं पहले तो आप ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे इसको। 0 to 1, ठीक है, इस ब्रैकेट को लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक, अभी आप समझ पकड़ पाए। अब आगे चलते हैं। देखिए इसको 2 लिखा, इसको लिखा टी स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स टी, यहां लिखेंगे तो इसको 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साहब टी, माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt का। सब 0 to 1 लगा के बैठे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अब देखिए ये वैल्यू हो गई 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स टी माइनस हाफ टी, और यहां पे आप देख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी वाला फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं आराम से टेन इनवर्स टी, लिमिट 0 to 1। अब यहां पे कुछ कटपिट तो रहा नहीं, वैल्यू डालना शुरू कर दो साहब। तो ये वैल्यू रही 2, 1 डाल रहे हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगी देखिए 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन 4 इसकी, माइनस हाफ 1 रख रहे हो वैल्यू, यहां भी 1 रख रहे हो, तो ये हो जाएगी 1/2 × π/4, 1 का खेल खत्म। अब 0 का काम शुरू, 0 रखोगे टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि t खुद ही 0 है, तो ये रहा 0, दूसरे में फिर से 0, तीसरे में फिर से 0, tan इनवर्स 0 0 होता है। ठीक, अब इसी का खेल बचा है, तो यहां चलते हैं। 2 ब्रैकेट में पहले वाले को लिखा पाई बाई 8, बाजू वाला 1/2 और इसके बाजू वाला पाई बाई 8, ये एक्सप्रेशन मिला। और एक कदम आगे चलते हैं बच्चों, तो इसको लिखिए 2, ये पाई बाई 8, पाई बाई 8 मिलके हो गया पाई बाई 4 माइनस 2, 1 अपॉन 2, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों 31 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़ी प्रैक्टिस मांगते हैं, थोड़ा पढ़िए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत होने का कोई चांस नहीं है। जो वीडियो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं, अगर आप शांति से उनको सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, आपका एक भी सवाल इंटीग्रेशन का गलत नहीं हो सकता है, गारंटी है इस बात की। आगे चलते हैं हम लोग। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, और देखिए इसमें क्या करेंगे। पहले तो हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप जानते ही हैं, 0 to a f(x) dx की जो वैल्यू है बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to a f(a − x) dx लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको कह दो i = पहले तो दिस वन, इस इक्वेशन को 1, क्योंकि नॉर्मली ऐड करते हैं उसके बाद, फिर i रखा, अब प्रॉपर्टी लगा दी 0 to π π − x, जहां जहां x है वहां π − x, यही प्रॉपर्टी है, tan π − x अपॉन sec
पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये होगी। अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर आप जानते हैं कि टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। टेन पाई माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स। इसी तरीके से जो सेक पाई माइनस एक्स होता है वो होता है माइनस सेक एक्स। तो जब ये माइनस माइनस आएगा तो सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। मेरे कहने का मतलब ये था कि इसको लिखो जीरो टू पाई और ये रहा पाई माइनस एक्स और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन एक्स। मैं लिख ही देता हूं, पता नहीं कई बच्चे कहीं फायर ना हो जाएं कि भाई पता नहीं कहां से आया। तो ये हुआ सेक एक्स और ये रहा माइनस टेन एक्स। ठीक। अब माइनस यहां से कॉमन लो और ऊपर से दोनों कैंसिल कर दो, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स टेन एक्स, क्योंकि माइनस कैंसिल कर दिया है कॉमन लेके, और नीचे बचा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये रहा डी एक्स। इसको कह दो इक्वेशन नंबर टू। हम लोग पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब ऐड करोगे तो ये जो एक्स है ना ये निकल लेगा, देखो माइनस एक्स टेन एक्स मिलेगा, ये कट जाएगा, केवल पाई वाला टर्म रह जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा टू आई, ये आई ए आई जोड़ने के बाद, और यहां वैल्यू मिलेगी जीरो टू पाई, ये एक्स कट गया, वैल्यू रही पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूं। देखिए यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब इसको साइन कॉस में तोड़ लो बेटा। तो मैं इसको लिख लेता हूं, इधर 2i चल ही रहा है और यहां पर 0 टू पाई रखा, इसको लिख लो कि पाई साइन x अपॉन cos x, और यहां लिखोगे 1 अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन कॉस एक्स। साइन कॉस में ब्रेक कर लिया आपने और कुछ नहीं किया है। थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं बेटा। अब देखिए वैल्यू क्या बन गई, ये बनी 2i 0 टू पाई। अब कॉस एक्स तो सारे कैंसिल हो गए, यानी हाथ क्या लगा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई साहब। इसको जब मल्टीप्लाई मार दोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, ये लिखोगे 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई और ऊपर वैल्यू रही पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख लीजिए आप 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे मिला आपको कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर से हम इसको ब्रेक कर लेंगे अलग अलग, न्यूमिनेटर से अलग अलग ब्रेक कर लो। तो इसको लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, इस पाई को आगे से हम लोग बाहर लिख लिया करेंगे और ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब देखिए किस फॉर्मेट में ये चलना शुरू हो गया, मतलब आसानी की तरफ, पाई को कर लो बाहर 0 टू पाई और ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक। अब हमने दिमाग लड़ाया, हमें समझ में आया कि sec x into tan x का इंटीग्रेशन तो मालूम है लेकिन tan square x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो इसको sec में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं और कर लेता हूं sec में चेंज। तो ये वैल्यू रही 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई sec x इंटू, ये थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है लिखने में, तो मैं इसको sec x इंटू टेन एक्स और इसको लिख लीजिए sec स्क्वायर
एक्स माइनस वन, और ये रही कहानी आपकी, है ना, ये पूरा है एक ब्रैकेट के अंदर। अब खोल के इंटीग्रेशन मार देंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है। खैर मैं और सिंपल करने के लिए इसको लिख लेता हूँ, आई बराबर टू को नीचे ले लो, तो ये रहा पाई बाई टू, जीरो टू पाई, ये वैल्यू हो गई सेक एक्स, टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन, और ये रहा डी एक्स। अब इंटीग्रेशन मारने जाएंगे आप जब, तो पाई बाई टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स इंटीग्रेशन, वन का हो जाएगा एक्स, और लिमिट है जीरो टू पाई। खेल खत्म हो चुका है, बस वैल्यू रखनी और आंसर निकालना है। आगे चलते हैं, ये वैल्यू रही आई पाई बाई टू, वैल्यू रख दो सेक पाई, मैं वैल्यू सीधे सीधे ही रखता हूं, इतना तो आप वैल्यू रख ही लेंगे, अननेसेसरी की स्टेप बढ़ाने से अभी कोई आवश्यकता नहीं है। सेक पाई, तो कॉस पाई बेटा कितना होता है माइनस वन, है ना, तो ये सेक पाई भी हो जाएगा माइनस वन, टेन जीरो जीरो होता तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, पाई की जगह हो जाएगा पाई, माइनस लिख दो, सेक जीरो डालोगे तो हो जाएगा वन, टेन जीरो डालोगे तो जीरो, और ये डालोगे तो जीरो, ये वैल्यू देखिए आ गई। अब यहां पर देखते हैं पाई बाई टू माइनस वन प्लस पाई माइनस वन, ये वैल्यू रही पाई बाई टू, और यहां आती दिख रही है पाई माइनस टू, तो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अगर आप चाहें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना तो पाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस पाई लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आंसर हो गया। ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन लगता है, तो दिस इज द आंसर, आंसर सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन में देते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके आप कितने आराम से निकला है, चलते हैं अगले सवाल पर।